हेलो फ्रेंड्स, एसेट कंपाउंडर्स एकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक न्यू अराइविंग कंसिस्टेंट कंपाउंडर या फिर आने वाले समय में मल्टीबैगर भी ये हो सकता है, राइट। जिस तरह का इसका फंडामेंटल है, जिस तरह का टेक्निकल है, जो इसका बिजनेस मॉडल है एंड अपने पीयर्स में ये जिस रैंकिंग पे है, जिस नंबर पे है, वो काफ़ी मायने रखता है। जी हाँ, आज हम लोग बात करेंगे एक पेंट सेक्टर की, एक ऐसे कंपनी की जो अभी अराइविंग है, जो ग्रोथ पे है, एंड क्या ये आने वाले टाइम में एशियन पेंट को बीट कर सकता है या उसको टक्कर दे सकता है। जो बिजनेस मॉडल या जिस तरीके से एशियन पेंट काम करता है, अभी से ही वो कंपनी उसी ढांचे पे चल रहा है एंड जिस तरह से इसका वर्किंग है, आई होप एंड आई थिंक डैट ये एक अच्छा कॉम्पिटिटर हो सकता है एशियन पेंट का, राइट। सो अभी तक पेंट सेक्टर में गिने चुने कॉम्पिटिटर हैं, राइट, जिनके कंपनी के नाम हम फिंगर टिप पे गिना सकते हैं। सो पेंट सेक्टर की एक ऐसी ही कंपनी, एंड आप लोगों ने इसके प्रोडक्ट का नाम सुना होगा, ड्यूलक्स, राइट, टीवी पे काफ़ी ऐड आते हैं। जी हाँ, ऐसे ही कंपनी जिसका नाम है एक्जोनोबेल पे हम लोग आज रिसर्च करेंगे, टेक्निकली, फंडामेंटली, एंट्री पॉइंट क्या होगा, एग्जिट पॉइंट क्या होगा, इन सब पे आज हम लोग बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना आज का वीडियो। जी हाँ फ्रेंड, आज की इस कंपनी का नाम है एक्जोनोबेल, राइट, एंड इसका प्रोडक्ट यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, ड्यूलक्स इंश्योरेंस, राइट। ड्यूलक्स एक काफ़ी मायने रखता है, काफ़ी दिनों से आपने इसका टीवी पे एंड सोशल मीडिया पे ऐड देखा होगा, एंड जिस तरह से इसका ग्रोथ है काफ़ी मायने रखता है। एक बार आइए इसका प्रोडक्ट देखते हैं। जैसे फॉर होम ओनर्स, मतलब जिनके पास अपना खुद का होम है, अगर वो एक्जोनोबेल का प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, ड्यूलक्स की पेंटिंग यूज़ करना चाहते हैं, तो ये वेराइटीज़ हैं जो वो देता है फॉर इंटीरियर, एक्सटीरियर, वुड केयर एंड मेटल के पेंट्स के लिए, वाटर प्रूफिंग के लिए, राइट। साथ ही साथ ये एक ऐसे फीचर देता है जो कि एशियन पेंट भी दे रहा है, कि इनका एक खुद का ऐप है एंड आप जब इनका खुद के ऐप से आप पूरा इंटीरियर एक बार सर्च करोगे, वीडियो लोगे या इनका फ़ोटो वेब के थ्रू लोगे, तो ये सजेस्ट करेगा कि भैया कौन से वाल पे किस तरह का डिज़ाइन, किस तरह का कलर सूट करेगा एंड आपके इंटीरियर डेकोरेशन को और बेहतरीन बनाएगा, उस पर चार चांद लगाएगा, राइट। सो ये देख सकते हैं यहाँ पे ऐप वगैरह है, इसका यूज़ हम लोग कर सकते हैं जो भी इनका प्रोडक्ट यूज करना चाहते हैं, राइट। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, इनका पहले फंडामेंटल का एक स्नैप लेंगे, उसके बाद फंडामेंटल के की पॉइंट्स को डिटेल में देखेंगे एंड देन टेक्निकल पे आएंगे, एंट्री पॉइंट क्या होगा, एग्जिट पॉइंट क्या होगा, कितना ग्रोथ है, क्या प्रॉफिट टारगेट है, इस पे बात करेंगे। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसके पहले हमने ढेरों सारे मल्टीबैगर एंड ढेरों सारे कंसिस्टेंट कंपाउंडर का रिसर्च किया है, जो कि आज के डेट में आपको एक ह्यूज प्रॉफिट दे रहा होगा अगर आपने हमें फॉलो किया होगा तो, राइट। जिन्होंने भी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो फ्रेंड, बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर देना, वीडियो लास्ट तक देखना, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव एंड कंसेप्चुअल है ये, आपके कॉन्सेप्ट को रिगार्डिंग फंडामेंटल एनालिसिस, रिगार्डिंग टेक्निकल एनालिसिस, रिगार्डिंग ब्रेकआउट स्टॉक्स को सर्च करने के लिए, मल्टीबैगर स्टॉक्स को ढूंढने में आपकी काफ़ी मदद करेगा। चलिए सबसे पहले देखते हैं इसका मार्केट कैप क्या है। इसका मार्केट कैप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड 13,131 करोड़ का है, राइट, एंड इनका जो करेंट प्राइस है वो है 2,883 रुपीज़ का, ये करेंट मार्केट प्राइस है एंड आज के दिन में अगर देखें तो ये 0.73% अप है, राइट। बुक वैल्यू एंड करेंट प्राइस को कंपेयर करें तो ये थोड़ा सा ओवर वैल्यूड लगता है, बट इट्स अ फेयर वैल्यूड अगर हम लोग स्टॉक पी को देखें, एंड साथ ही साथ जब हम कंपेयर करेंगे मार्केट कैप एंड नेट वर्थ को तो ये एक फेयर वैल्यू नज़र आता है। अब किस तरह से कंपेयर करते हैं मैंने अपने पिछले वीडियो में पब्लिश किया हुआ है, आप जा करके उसे देख सकते हो स्टॉक एनालिसिस के प्लेलिस्ट में, राइट। अब बात करते हैं इनके 7 साल के रोज की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कि काफ़ी बेहतरीन है, 31% का है, मतलब क्या ये कंपनी के ग्रोथ को आपको दर्शाता है, शो कर रहा है कि किस तरह से, कितने परसेंटेज से कंपनी एवरी ईयर ग्रो कर रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी बेहतरीन है, लगभग 24% का है, एंड वहीं पर अगर सेल्स ग्रोथ की बात करें तो इतने खतरनाक, इतने तगड़ा बर्जर पेंट साथ ही साथ एशियन पेंट को कम्पीट कर रहा है एंड इनका सेल्स ग्रोथ 18% का है फ्रेंड। अगर हम लोग वहीं पर बात करें
एशियन पेंट की जो इनका पियर है, अगर इनके सेल्स ग्रोथ की बात करें तो एक बार वहाँ भी नज़र डालते हैं। इनका सेल्स ग्रोथ जो है एशियन पेंट का 17.8 है 3 ईयर का, एंड हियर इट इज़ ऑल्सो अराउंड 17.8, राइट, ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो सेल्स ग्रोथ में एशियन पेंट को बीट कर रहा है। अगर रोज की बात करें 31.2% का है, एंड एशियन पेंट का जो है 33.7% का। आरओई की बात करें तो 27% का है, एंड आरओई जो डिलक्स पेंट है, एक्सो नोबल है, इनका आरओई का बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी का, तो ये 24% का है। काफ़ी ज़्यादा टक्कर दिए हुए है जो मार्केट का लीडर है, इस फील्ड का लीडर है एशियन पेंट, राइट। चलिए अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इनका पिछले 10 साल का रोज क्या है, बट उसके पहले एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है डेट मार्केट, राइट। डेट क्या है इनका, मतलब कंपनी पे लोन क्या है, लोन के बारे में एक बार देखते हैं, क्या ये डेट फ्री है या इनके ऊपर हेवी डेट है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, तो ये एक डेट फ्री कंपनी है। अब हम लोग देखते हैं क्या ये डिविडेंड भी देता है, राइट। यहाँ पे देख रहे हैं लगभग ये, सबसे पहले तो फ्रेंड आप इसका एक बार इक्विटी कर्व देख लो, जो कि कंसिस्टेंट कंपाउंडर का 45 डिग्री का कर्व होता है, उसको ये फॉलो कर रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे ये 95.3% का डिविडेंड दे रहा है। कैन यू बिलीव 95.3% का डिविडेंड, क्या कभी किसी कंपनी के बारे में ऐसा सुना हो, कंसिस्टेंट दे रहा है। इक्विटी कर्व के ग्रोथ के साथ साथ ये मायने रखता है, राइट। एक अच्छा डिविडेंड ये दे रहा है इक्विटी के ग्रोथ के साथ साथ, राइट। आरओई जो है वो है 27% का 3 ईयर्स का, काफ़ी बेहतरीन है। हाँ, इसको हम लोग थोड़ा फेयर वैल्यू मान सकते हैं, यहाँ पे ओवर वैल्यू शो कर रहा है, बट इट्स फेयर वैल्यू हम लोग इसको मान सकते हैं, राइट। तो अभी तक जो भी हमने देखा, आने वाले टाइम में इसका ग्रोथ काफ़ी हो सकता है, एक कंसिस्टेंट कंपाउंडर बन सकता है। मतलब क्या, एवरी ईयर आपको 20-25-30% का कंसिस्टेंट ग्रोथ दे सकता है, या ये इसका फंडामेंटल जो अभी तक हमने देखा, एक मल्टी बैगर बनने का भी आमदा रखता है। चलिए आगे देखते हैं, इसके 10 साल का रोज पे नज़र डालते हैं, जो कि रेशियो सेक्शन में मिलेगा हमें। हम आ चुके हैं रेशियो वाले सेक्शन पे, एंड यहाँ पे है ये रोज परसेंटेज। 2013 मार्च में हम लोग देख रहे हैं कि 15% का है, एंड ये कंसिस्टेंटली ग्रोथ कर रहा है, एंड मार्च 2023 में 35% का है, राइट। मार्च 2018 में एक अच्छा खासा इसने पीक पकड़ा था, बट उसके बाद ये 20% से कम आफ्टर 2014 के बाद ये नहीं आया। मतलब क्या, कंपनी ग्रोइंग है, काफ़ी ज़्यादा ग्रोइंग है, अपने बिजनेस के बारे में काफ़ी सोचती है। अब इसके प्रमोटर, क्या प्रमोटर ने इस पे पकड़ बनाए रखा है, या प्रमोटर का विश्वास ही इस पे ढीला पड़ रहा है, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि प्रमोटर का खुद के कंपनी पे भरोसा काफ़ी ज़्यादा हो, ओके। यहाँ पे आते हैं, ये अपने पास है शेयर होल्डिंग पैटर्न, राइट, ये है शेयर होल्डिंग पैटर्न, ओके। सो यहाँ पे अब देखते हैं प्रोमोटर होल्डिंग। प्रोमोटर होल्डिंग जून 2021 में जो था वो 74.76 था, एंड अभी भी मतलब 0.01% भी प्रोमोटर ने एग्जिट नहीं किया है इस कंपनी से, राइट। जहाँ तक FII का बात है, मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का बात है, तो जून 2021 में 1.5% था, एंड मार्च 2024 में 3.42% के साथ इंक्रीज किया है। वहीं पे DII डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की अगर हम लोग बात करें, तो जून 2021 में 10.85% था, एंड ये अभी 8.36% है, राइट। अब चलते हैं हम लोग दूसरे तरफ। ये तो हो गया फंडामेंटल का की पॉइंट्स जो हमने अभी डिस्कस किया, काफ़ी बेहतरीन, काफ़ी स्टेबल, एंड बहुत ज़्यादा ग्रोइंग ये शो कर रहा है अभी। पीयर्स में देखें कि इसका पी क्या है, पीयर्स का कंपेयर करें तो एशियन पेंट 51.45 अबव 50, कंसाई नैरोलेक इट इज 33.70, राइट, एंड एक्सो नोबल जो अभी तक हम लोग इस लिस्ट में देख रहे हैं जो सबसे कम पी है वो 30.78, बट इट्स ग्रोथ इज फेनोमिनल, राइट, बहुत अच्छा ग्रोथ है, एंड एक मल्टी बैगर, एंड आने वाले टाइम में कंसिस्टेंट कंपाउंडर बनने का भी आमदा रखता है। एसेट कंपाउंडर एकेडमी की तरफ से अभी तक फंडामेंटल जितने हमने अभी देखे की पॉइंट्स, ये अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने लायक है, एंड आपके पोर्टफोलियो को काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकता है फ्रेंड, राइट। आप अपनी तरफ से भी एक बार सुनिश्चित हो जाइएगा, अपने जो भी आपके पैरामीटर्स है उसको भी कंपेयर कीजिएगा, देन
यू कैन ऐड इन योर पोर्टफोलियो ऑल्सो। अब आते हैं टेक्निकल पे, देखते हैं क्या एंट्री प्राइस है। अब यहाँ पे जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं फ्रेंड, ये लगभग 45 डिग्री को फॉलो कर रहा है, बट जो इसका फंडामेंटल है राइट, वो अभी शो कर रहा है कि जिस तरह से इसका ग्रोथ है, जिस तरह से आरओई है, डिविडेंड दे रहा है, इसको अब थोड़ा अभी और पुश करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे ये जो टाइम पीरियड है इसने ये 45 डिग्री को फॉलो नहीं किया, ये फ्लैट था राइट, फिर यहाँ पे आकर के ये फ्लैट हुआ। तो ये जो अपने पास लगभग 4-5 ईयर है, इसने बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं दिखाया। सो अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ इट शुड बी राइट हियर ऑलमोस्ट अराउंड 5000 अप्रॉक्स राइट, इसको 5000 अभी शेयर प्राइस होना चाहिए था, जो कि पी भी अभी शो कर रहा है पीयर को कंपेयर करें तो, इसके कॉम्पिटिटर को कंपेयर करें तो जो अपना आने वाला टाइम है राइट, इसका जो टाइम ओरिजिन है फॉर टारगेट ऑफ 5000 सजेस्टेड बाय एसेट कंपाउंडर एकेडमी राइट, जो अपना टारगेट है 5000 का, वो अप्रॉक्स 1 ईयर के टारगेट के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। एंट्री आप लोग इसी पॉइंट पे ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल है एंड यहाँ पे एक ब्रेकआउट आने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है राइट। यहाँ ब्रेकआउट आता है तो यहाँ से आप 20% का ग्रोथ मान सकते हो एंड करेंट प्राइस से लगभग ये जो प्राइस है फ्रेंड 80% का रिटर्न देने की अभी इसमें कैपेबिलिटी है इन एन ईयर राइट। सो अभी इसका जो इतने 3-4 सालों का जो गैप है जिसमें इसने रिटर्न नहीं दिया, उसको भी आगे ये भरपाई करेगा, उसको भी ये पूरा करेगा राइट। सो आने की प्रोबेबिलिटी, जो टारगेट प्राइस की प्रोबेबिलिटी है वो 5000 है। फंड डिप्लॉय आप पूरा का पूरा करेंट प्राइस पे कर सकते हो या फिर 75% करेंट प्राइस पे कर सकते हो एंड आफ्टर ब्रेकिंग द प्राइस ऑफ अराउंड 2950 यू कैन डिप्लॉय रिमेनिंग 25% ऑफ फंड राइट। नेक्स्ट क्लास में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आने वाले नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए एक कंसिस्टेंट कंपाउंडर और लेकर के आऊँगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए एक माइक्रो कैप लेकर के आऊँगा एंड ऐसे सेक्टर का लेकर के आऊँगा जिसमें कॉम्पिटिटर काफ़ी कम है, पब्लिक डिमांड काफ़ी ज़्यादा है एंड इसके ग्रोथ का चांस काफ़ी ज़्यादा है। काफ़ी दिनों से फ्लैट पड़ा हुआ है बट फंडामेंटल देखेंगे तो आप चौंक जाओगे कि अभी तक इस पर FII DII का नज़र क्यों नहीं पड़ा, हालांकि FII उसमें अब आने लगे हैं और उसका ग्रोथ अभी तक उस हिसाब से नहीं हुआ जिस अकॉर्डिंग होना चाहिए। सो ब्रेकआउट की काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी है। ओके फ्रेंड, तो आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। थैंक्स अ लॉट फ्रेंड।